अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस वीडियो इज ऑन जनरल नॉलेज एमसीक्यूज अबाउट पाकिस्तान। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के रिसोर्सेज, लैंड, इंडस्ट्रीज, रोड, टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसने कौमी झंडा जो है नेशनल असम्बली में 11 अगस्त 1947 को अप्रूवल के लिए पेश किया था? आंसर है लियाकत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रॉकेट लॉन्च बाय पाकिस्तान इन स्पेस वाज, पाकिस्तान ने जो पहला रॉकेट स्पेस में लॉन्च किया उसका नाम क्या था? उसका नाम था रहबर वन, और यह पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन जिसको स्पार्को भी कहते हैं, उसने 7 जून 1962 में लॉन्च किया था और ये रॉकेट डिज़ाइन किया गया है विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदम सोलर पावर पार्क जो है किस शहर में बनाया गया है? आंसर है जी बहावलपुर, और ये कंस्ट्रक्ट हुआ है मई 2015 में, और इसमें 4 लाख जो से हैं सोलर पैनल उनको स्प्रेड किया गया है 200 हेक्टेयर रकबे पे चोलिस्तान डेजर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मोटरवे वाज कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में पहली जो मोटरवे बनाई गई थी उसका क्या नाम था? आंसर है M2 इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद से लाहौर तक है, और चाहे इसका नाम M2 है लेकिन ये M1 से पहले जो सी ओपन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब? पंजाब के मशरक में जो है कौन सा डेजर्ट है? आंसर है जी थल डेजर्ट, और इसको ये जो डेजर्ट लोकेट है पोटोहार प्लेचियो भक्कर वाली साइड पे, और ये स्ट्रेच होता है मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट भक्कर, खुशाब, झंग, लैयर, मुजफ्फरगढ़ और डी जी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ पंजाब? पंजाब के साउथ में कौन सा डेजर्ट लोकेटेड है? आंसर है चोलिस्तान डेजर्ट, और इस डेजर्ट को चोलिस्तान डेजर्ट को रूही डेजर्ट भी कहा जाता है, और यह स्टैंड करता है भावलपुर से सिंध की तरफ, और फिर ये इंडियन स्टेट राजस्थान से मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे अजम मोहम्मद अली जिना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कितने अरसे तक रहे? आंसर है जी 13 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी पाकिस्तान फर्स्ट प्लास्टिक रोड वॉज लॉन्च? कौन से शहर में पाकिस्तान का पहला प्लास्टिक रोड बनाया गया है? आंसर है इस्लामाबाद, और ये पूरा प्लास्टिक का रोड नहीं होता लेकिन कुछ प्लास्टिक का मटीरियल जो सा है वो रोड बनाने वाले मटीरियल में शामिल किया जाता है, और इस रोड को बनाने के लिए 10 टन जो प्लास्टिक बोटल्स हैं उनको यूटिलाइज किया गया है, और ये इसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं रोड की। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी है वो किससे प्रोड्यूस की जाती है? वो है जी हाइड्रो पावर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो ओल्डेस्ट सिटी है वो कौन सा है? वो पेशावर। द लैंड लाइंग बिटवीन द रिवर रावी एंड रिवर चनाब, रिवर रावी और चनाब के बीच में जो लैंड है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रचना दुआब। रेकोडिक इज माइनिंग प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, रेकोडिक जो कान है उसमें से क्या निकाला जाता है, वो किसके जो उनसे उसमें जखायर हैं? तो वो रेकोडिक में कॉपर एंड गोल्ड के रिजर्व्स हैं, और ये रेकोडिक बलोचिस्तान के एरिया में एक कान है जिसमें से कॉपर और गोल्ड के रिजर्व्स निकाले जाते हैं। नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? आंसर है दियोदार ट्री, और इसका साइंटिफिक नेम है सिद्रस दियोदारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एलिमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कौमी जानवर है वो कौन सा है? आंसर है जी मारखोर, और ये जो मारखोर है इसके जो ये हॉर्न्स है ये कॉर्क स्क्रू होते हैं, और ये हिमालयस की हाइट पे रहता है, और अब क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है तो ये नियर एक्सटिंक्शन है, यानी कि दुनिया से ये नापैद होने वाला है। हु इज़ कम्पोज़र ऑफ पाकिस्तान नेशनल एंथम? पाकिस्तान नेशनल एंथम जो सबसे कम्पोज़र कौन थे? आंसर है अब्दुल करीम चाकला साहब। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ताज़ा पानी या साफ पानी की जो लेक है वो कौन सी है? आंसर है जी लेक मंचर, और ये इंडस रिवर लोकेटेड वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर इन सिंध, सिंध में इंडस रिवर की वेस्ट में ये लोकेटेड है। विच इज़ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी कौन सी है? आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, और ये इस्टेब्लिश हुई है 1882 में 1882 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। बाउंड्री बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड अकोपाइड कश्मीर, जो बाउंड्री है जो आज़ाद कश्मीर और अकोपाइड कश्मीर के दरमियान उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कंट्रोल लाइन। विच इज़ दी लॉन्गेस्ट मोटरवे इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो मोटरवे है वो कौन सी है? वो है जी M8 मोटरवे, और M8 मोटरवे इज़ फ्राम वो कहाँ से कहाँ तक है? वो है रोटोडोरो टू ग्वादर, और इसकी जो लंबाई है वो 892 किलोमीटर तक है। बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो कहाँ से आता है? वो एग्रीकल्चर से। हु वाज पाकिस्तान बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021, 2021 में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किसके साथ की? आंसर है चाइना, पहले अमेरिका हुआ करता था लेकिन अब चाइना के साथ पाकिस्तान की ट्रेडिंग जो है वो बढ़ती जा रही है।
उस्ताद अल्लाह बख्श वाज फेमस, उस्ताद अल्लाह बख्श किस चीज़ के लिए फेमस हैं? तो वो पेंटर थे उस्ताद अल्लाह बख्श, और पाकिस्तान पोस्ट ने इनके नाम और इनकी तस्वीर से टिकट भी, डाक टिकट भी इशू किए थे 24 दिसंबर 1991 में। पाथवे टू पाकिस्तान इज ऑटोबायोग्राफी, पाथवे टू पाकिस्तान किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वो है चौधरी खलीकू जमान साहब की। शिकवा एंड जवाब शिकवा आर पोइम्स ऑफ अलामा इकबाल विच वॉज लेटर पब्लिश इन कौन सी बुक में? शिकवा और जवाब शिकवा को कम्बाइन किया गया है आंसर है कुलियात इकबाल में। नेक्स्ट है हु क्वाइंड द नेम ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो नाम है वो सजेस्ट किया था? आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खान साहब। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर, किसको सिल्वर फाइबर का लैंड कहा जाता है? आंसर है पाकिस्तान। और ये सिल्वर फाइबर किसके किसको कहा जाता है? असल में ये कॉटन को कहा जाता है, तो कॉटन क्योंकि पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है तो इसलिए इसको लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर कहा जाता है। ख्योड़ा माइंस आर नॉन फॉर दियर ह्यूज डिपॉजिट, ख्योड़ा माइन जो उनसे वो किस में किस चीज़ के डिपॉजिट हैं ख्योड़ा माइंस में? तो वो हैं जी रॉक साल्ट के। और ख्योड़ा माइन कहाँ पे है? ये लोकेटेड है जहलम डिस्ट्रिक्ट में। जहांगीर खान वाज द वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ विच गेम, जहांगीर खान किस के वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं? आंसर है स्कॉश। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंसेस, पंजाब में जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितने हैं? 36 डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब में। बगलचोर एरिया ऑफ डेरा गाजी खान इज़ फेमस फॉर, इनके जो एरिया डेरा गाजी खान में किस चीज़ के लिए मशहूर है? तो ये यूरेनियम के लिए मशहूर है, यहाँ से यूरेनियम को निकाला जाता है, अफसोख किया जाता है। हना लेक इज़ लोकेटेड इन, हना लेक कहाँ पे है? आंसर है बलोचिस्तान में। वट वॉज़ द ओल्ड नेम ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का पुराना नाम क्या है? आंसर है चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब। विच कंट्री इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नॉर्थ शुमाल में कौन सा मुल्क है? आंसर है जी अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान विद रिस्पेक्ट टू एरिया, एरिया के लिहाज से पाकिस्तान का जो बड़ा सूबा है वो है बलोचिस्तान। नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है वो कौन सा है? इंडस रिवर जो सा है वो सबसे बड़ा दरिया है पाकिस्तान का। हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर डेथ ऑफ लियाकत अली खान, लियाकत अली खान के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना था पाकिस्तान का, यानी दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो है ख्वाजा नाजमुद्दीन साहब। हाउ मैनी गेट्स द ओल्ड वाल सिटी ऑफ लाहौर हैड, ओल्ड वाल सिटी में कितने दरवाजे थे? तो 12 दरवाजे थे इनके। विच इज़ द लार्जेस्ट बैराज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैराज कौन सा है? सखर बैराज जो है वो लार्जेस्ट बैराज है। विच इज़ द वट वॉज द काज ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना डेथ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की इंतकाल किस चीज़ से हुआ था, किस बीमारी से हुआ था? उन आंसर है ट्यूबरक्लोसिस। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना को अनथक मेहनत की वजह से टीबी का मर्ज जो उनसे लाख हो गया था और इससे उनकी उनसे उनका इंतकाल हुआ। वाट इज़ द लोकल नेम गिवन टू द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का जो लोकल नेम है मकामी नेम उसका क्या है? वो है मजलिस शूरा। पाकिस्तान प्लेड फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट विच कंट्री, पहला जो पाकिस्तान ने T20 मैच खेला है वो किसके खिलाफ था? वो था जी इंग्लैंड के खिलाफ, और ये खेला गया था ब्रिस्टल में 28 अगस्त 2006 में। तरबेला डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच, तरबेला डैम को किस दरिया पे बनाया गया है? आंसर है इंडस रिवर पे। सिल्क रूट इज़ अनदर नेम फॉर, सिल्क रूट जो है वो किस हाईवे का दूसरा नाम है? आंसर है कराकरम हाईवे का दूसरा नाम सिल्क रूट है। हु इज़ बिलीव टू द बिल्डर ऑफ बादशाही मॉस्क, बादशाही मॉस्क का बिल्डर जिन्होंने तामीर की थी वो किसको कहा समझा जाता है? औरंगजेब समझा जाता है। विच ट्राइब ऑफ पाकिस्तान परफॉर्म ये वजीरी डांस जौन सा है ये किन से जौन सा है मनसूब है? आंसर है पश्तून। पंजाबी कल्चर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर है 14 मार्च को पंजाबी कल्चर डे सेलिब्रेट किया जाता है, पंजाब की रवायात को बरकरार रखने के लिए इस डे को मनाया जाता है। क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो आबो हवा है वो कैसी है? वो है हॉट एंड ड्राई। लार्जेस्ट प्लांटेड फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में जो लार्जेस्ट प्लांटेड फॉरेस्ट है वो है छांगा मांगा है असल में, तो ये छांगा मांगा जो है वो कसूर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है और ये स्ट्रेच है 48.6 स्क्वायर किलोमीटर में और ये बनाया गया था 19th सेंचुरी ब्रिटिश राज में और असल में टिम्बर को कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था, तो इसका आंसर जो सा है वो छांगा मांगा है। विच ऑफ दी विच इज़ दी फर्स्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो पहला डैम बनाया गया था वो कौन सा था? आंसर है जी मंगला डैम और ये सिचुएटेड है जहलम रिवर पे, मीरपुर साइड पे, आज़ाद जम्मू कश्मीर
डिस्ट्रिक्ट वाज आज जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, और ये कंस्ट्रक्ट किया था 1961 में, और इसको वर्किंग जो इसकी स्टार्ट हुई थी वो 1965 पे थी। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब किया जाएगा ताकि इस तरह की वीडियोस और अपलोड की जा सकें। शुक्रिया।